अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी चिकन पैटीज़ की रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के दें परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी ये पैटीज़ बन के तैयार होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने तीन से चार खाने के चम्मच ऑयल में एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसमें मैंने चार ग्राम चिकन ले लिए और बोनलेस चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट के धो के तो छली में डाल दिया था आप मैंने इसमें शामिल करके तो इतना मैंने इसको फ्राई करना है कि इसका जो पानी है ना इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है इस स्टेज पे मैंने इसमें मसाले शामिल करने हैं तो मसालों में आधा चाय का चम्मच नमक एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच या हजब ज़रूरत कुटी हुई काली मिर्च और एक चाय का चम्मच सफेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन मसालों का फ़्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है डेढ़ खाने के चम्मच सरका और डेढ़ खाने के चम्मच सोया सॉस ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैंने छः हरी मिर्ची बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की गाजर और एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दिए और सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डाल सकते हैं इसे जो पैटीज़ हैं ना मज़ीद हेल्दी बन जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना हमने पकाना है तेज़ आकी हुई है चूल्हे की और इसका जो सिरका और सोया सॉस शामिल किया ना इसका पानी खुश्क हो जाए इतना हमने पकाना है सब्जियों का हमारा मकसद जो है ना वो गलाना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर और उसके बाद चूल्हा जो है ना यहाँ पर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया और तकरीबन चार से पाँच खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए म्योनीस म्योनीस है ना बहुत मज़े का और क्रीमी इसमें टेस्ट आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ज़बरदस्त सा माशाला से इसकी लुक आई है अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने तकरीबन चार खाने के चम्मच मैदा ले लेके इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और कांटे की मदद से अच्छे से मैंने मिक्स करना है और एक थिक सी हमने इसकी ले तैयार कर लेनी है जो कि आगे चल के हमने बॉक्स पैटीज़ को सील करने के काम जो किया और ये देख सकते हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए इसको हम साइड पे रखते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ब्रेड के किनारों को के तो उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसके साथ एक बड़े बाउल में मैंने दो अंडे शामिल किए हैं। इसमें दो चुटकी के करीब मैंने नमक शामिल किया है और तकरीबन आधा चम्मच इसमें काली मिर्च कुटी शामिल कर दिया अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसको मिक्सिंग करके तो इसको साइड पे रखते हैं फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं तो बॉक्स पैटीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है समोसा पट्टी ये रेडीमेड ली है और रेडीमेड जो है ना फ्रीज़र में से जब निकाल के तो मैंने इसको आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था तो इससे क्या होता है कि इसका एक एक पीस जो है ना वो बहुत अच्छे से खुल जाता है और ज़ाया नहीं होने पाती अगर डायरेक्ट आप एक एक पीस आलदा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये समोसा पट्टी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और ज़ाया हो जाती है तो दो पट्टी लेके इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के तो दरियान में मैंने दो खाने के चम्मच સાલા રખાય ઓર ઉસકે બાદ સામેવાલા જો પીસ હે اسકે ઉપર રખકે દૂસરા જો પીસ હે اسકે ઉપર લેઈ લગાની હે ઓર ઇસકે ઉપર ઇસ તરીકે સે ચિપકા દેંગે ઓર દો કિનારે જો બચકે હે ઉનકો ભી ઇસી તરીકે સે લેઈ લગાની હે ઓર એક દુસરે કે ઉપર ઇસ તરીકે સે લાકે અટેચ કર દેંગે ઓર અચ્છે સે સીલ કર લેંગે તાકે યે સાઈડ સે કિનારે જો હે ને ઉનકે ખુલને ના પાએ ઓર ઇસી તરીકે સે માશાલ્લાહ સે જબરદસ્ત યે હારી પેટી જો હે ના યે તૈયાર હો ગઈ હી ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है फिलिंग में तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है मज़ीद बढ़ जाती है तो इसको बना के आप एक महीने तक स्टोर भी कर सक ते हैं तो यहाँ पे ये दूसरी पैटी भी मैंने बना ली है और काफ़ी सारे माशाल्लाह से मैंने पैटिस बना लिए हैं अब मजीद जो है ना हम साथ साथ बना लेंगे अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं हमने इनको फ्राई किस तरीके से करना है अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद एक पैटी लेंगे इसको चम्मच ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा नहीं तो फिर अंडा आपके हाथों पर लग जाएगा और ज़ाया होगा तो चम्मच की मदद मतलब से इस तरीके से मैंने इसको मिक्सिंग करनी है उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कटिंग करेंगे अच्छे से इस तरीके से ताकि जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है ना बिल्कुल दबा दबा के करेंगे ताकि बाद में जो है ना इसकी जो ऊपर वाली फिलिंग है वो बहुत टाइट हो जाए और बाद में जो हमारे स्नैक्स हैं ना बहुत मज़े के और क्रिस्पी बने तो सारे यहाँ पे मैंने पैटीज तैयार कर ली हैं अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके अब हम फ्राई करने चलेंगे और फ्राई करने के लिए ना ऑयल को मैंने बिल्कुल दरमियाना सा गर्म किया है और दरमिया आग पर हमने इसको सात से आठ मिनट तक फ्राई करना है पहले तो चार मिनट तक हमने एक इसकी साइड बिल्कुल नहीं पलटेंगे जब थोड़ी सी ये टाइट हो जाएंगे नीचे से फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दरमिया आग पर हमने सात से आठ मिनट तक इनको पकाना है और अच्छा सा कलर आने तक अगर इस स्टेज पे आग तेज़ हुई ना चूल्हे की तो फिर क्या होगा बाहर से तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे ये पैटीज़ लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो इसलिए बिल्कुल तहमुल से सात से आठ मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है और माशाला से काफ़ी सारे पैटीज हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये माशाला से तैयार हुए हैं तो इनको डिश आउट मैंने कर लिया है ज़बरदस्त रेसिपी है इफ्तार पार्टीज़ पे आप बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बना के बच्चों को दें तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़ भी अमान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में रहते हुए बेहतरीन किस्म के समोसे बनाने की रेसिपी एक रोटी बेलेंगी और ढेर सारे समोसे एक ही वक्त में बिना घंटों ज़ाया किए बन जाएंगे तो ये पिन वीज समोसा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी डो बनानी है तो डो के लिए मैंने डेढ़ कप मैदा लेके उसको अच्छे से छान लिया है और इसके साथ मैंने आधा चाहे चम्मच नमक शामिल किया है और आधा चाहे चम्मच अजवाइन शामिल किया अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है तो इसको लाजमी शामिल करिएगा और उसके बाद तीन से चार खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना नकजहान हो जाएँ और फिर समोसे आपके बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिए नॉर्मल पानी और नॉर्मल पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसकी एक बेहतरीन सी डो जो है ना वो तैयार करेंगे जैसे आमतौर तौर पर रोटी के लिए आटा गूँधा जाता है इसका इसकी डो भी ऐसे ही तैयार होगी और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं जो है ना ये इस तरीके से लगाती जाऊँगी ताकि डो जो है ना बहुत अच्छे से यकजान हो जाए तो माशाल्लाह से ज़बरदस्ती डो जो है वो तैयार होगी है थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर लगा है अच्छे से और उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको बीस मिनट तक के लिए रेस्ट दे देंगे और जब तक हम चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पाँच हदर्द आलू मीडियम साइज़ के हैं और वेट में तकरीबन डेढ़ पाव के करीब हैं इनको अच्छे से मैंने बॉईल करके ठंडा कर है और अब मैंने ग्रेटर ले लिया इसकी मदद से हमने इनको ग्रेट करना है यहाँ पे हमने जो आलू है ना उनको एक जैसे ही मैश करना है पोटैटो मैशर की मदद से भी कर सकती है लेकिन अगर ग्रेटर की मदद से करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको तो यहाँ पर अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया उसके बाद अब मसाले शामिल करेंगे तो मसालों में मैंने आधा चाय का चम्मच या खसबीस नमक एक चाय का चम्मच चाट मसाला एक चाय का चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और ये हरा धनिया सुखाया हुआ है मैंने इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है तो ये मैंने एक चाय का चम्मच लिया एक खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया एक चाय का चम्मच जीरा और एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर देनी है और इसकी मज़ीद अच्छी बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे दो खाने के चम्मच भर भर के लिए हैं कॉर्नफ्लोर के कॉर्नफ्लोर ले लें ले या फिर चावल का आटा ले लें ले। ये ना इससे क्या होगा कि हमारे जब पिन हुई समोसा है ना बहुत ज़बरदस्त बनेंगे बाइंडिंग का काम करेंगे और यहाँ पर पुदीने के तकरीबन तीन से चार खाने के चम्मच लिए हैं और इसके साथ हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई तकरीबन चार अदद लिए हैं और चार खाने के चम्मच प्याज़ और आधा जो एक चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी और हरा धनिया दोनों को सुखा के स्टोर करने के मैंने तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं तो लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ज़रूर उनको चेक करिएगा और उसके बाद अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है इस मिक्सचर की इसको मिक्सिंग के बाद रखते हैं साइड पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है ना अच्छे से उसको रेस्ट मिल चुकी है तो आप यहाँ पे हमने इसके बनाने हैं पेड़े अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसके दो दो पेड़े बना लेने हैं पेड़ा एक मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया है और दूसरा जो है ना ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर लीजिए आप पेड़ा बनाने के बाद काउंटर पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट किया है उसके बाद हमने इसकी रोटी बेल ली है रोटी जो है ना इसकी बहुत अच्छी बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी है कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर बाद में जो समोसे पीने हुए समोसा है ना वो हँसता नहीं बनेगा तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी हो सकती है आपसे पतली रोटी बेल सकते हैं उतनी आप बेल लें इसको तो अच्छे से ज़रदस्त ये रोटी जो है ना वो मैंने बेल लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी बहुत अहम है आ, काउंटर पर मैंने डस्ट कर दिया खुश काटा तो के बाद ये रोटी इसके ऊपर सारी फैला देंगे और ये जो फीलिंग है ना ये हमने इसके ऊपर लगानी शुरू कर देनी है खुशक आटा जो है ना ये लाजमी आप डस्ट करिएगा क्योंकि जब हम इसके ऊपर पे ये फीलिंग रख रहे हैं ना रोटी के ऊपर चिपका रहे हैं तो थोड़ा सा जोर लगता है तो बाजूकत क्या होता है नीचे से चिपक जाती है तो इसलिए खुशक आटा हमने लगाया उसके बाद सारी फिलिंग इसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया था तो यहाँ पे दोबारा से हम इसको रोल करेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से क्या होगा मज़ीद अच्छे से ये जो इसका लास्ट वाला कोना है ना सील हो जाएगा और इसको इस तरीके से हमने रोल करना है उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है तो यहाँ पे कटिंग के लिए आप छुरी भी ले सकती है लेकिन मैंने धागे से कटिंग कर रही हूँ इससे इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये देख सकते हैं आप और एक जैसी कटिंग होगी तमाम पीन हुई समोसा की हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद हम रखते हैं साइड पर तमाम समोसों की हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है तमाम समोसों की कटिंग जो है वो हो चुकी है बाकी एक जो रोटी बच गई है उसको भी इसी तरीके से हम रोटी बेल के तो समोसे तैयार कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक घोल तैयार कर रही हूँ दो खाने के चम्मच मैदे में पानी डाल के तो एक पतला सा बैटर हमने तैयार कर लिया है और माशाल्लाह से समोसे तैयार हैं फ्राइंग के लिए एक समोसा उठाना है इसको इस बैटर में डिप करना है और ऑयल में डालते जाएंगे और ऑयल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है स्टार्ट में दरमियाना सा गर्म होना चाहिए और ऑयल में समोसे जब डालेंगे ना तो हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए तीन चार मिनट तक हरगज़ ने इनको छेड़ना उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है अच्छा यहाँ पे ये यह जो ऑयल में आपको झाग नज़र आ रही है ना तो इस वीडियो से पहले मैंने चिकन पॉकेट्स फ्राई किए थे तो उसमें अंडे का इस्तेमाल हुआ था इसलिए कि थोड़ी थोड़ी झाग नज़र आ रही होगी अदरवाइज़ ये ऑयल जो है ना ये बिल्कुल साफ़ है तो यहाँ पर चार चार पाँच पाँच मिनट के वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और चूल्हे की आँच बिल्कुल दरमिया रख नहीं है तेज आग पे अगर किया तो अंदर से ये समोसे कच्चे रह जाएंगे तो दरमिया आग पे तकरीबन आठ से नौ मिनट तक हमें इनको फ्राई करना है और जबरदस्त सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है तो माशाला से देख सकते हैं जबरदस्त कलर इनका आया है और यहाँ पे बहुत ही मजे की और बहुत ही हस्ता समोसे जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं तो इनको तमाम को निकाल के मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ तो माशाला से जबरदस्त से समोसे जो है वो तैयार हो चुके हैं तो इस मजेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा हाँ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह यामानल्ला अस्सलाम वालेकुम आज मैं उसके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाएंगे अगर आप इस तरीके से रेसिपी बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि लंच बॉक्सिस के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए मैंने ले लिया 300 ग्राम चिकन और इस तरीके से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया बहुत बड़े साइज के क्यूब्स भी नहीं है और बहुत छोटे दरमियाने साइज के मैंने क्यूब्स लिए और ये सीने का पीस लिया इसमें एक चाय का चम्मच नमक एक खाने का चम्मच भर के मैंने तिक्का मसाला डाल दिया इसमें और एक चाय का चम्मच सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच मैंने गर्म मसाला इसमें शामिल कर दिया और आधा आधा चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूंगी इसमें और साथ ही यहाँ पे एक दरमियाने साइज का लीमू लेके इसका रस मैंने शामिल कर देना लीमू नाम हो तो आप एक खाना का चम्मच सिरका डाल लीजिएगा और एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और यहाँ पर मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिर्च जो है ना वो थोड़ी डाल रही हूँ तो अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं मैक्रोनी को हमने बॉयल करना है तो पानी जो है ना ये तकरीबन दो से ढाई लीटर मैंने रख दिया है एक खाने के चम्मच इसमें नमक और एक खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दी है अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है मेकरोनी को ये 300 ग्राम मैंने मेकरोनी ले ली है और शेप जो है ना वो आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी शामिल कर सकते हैं मेकरोनी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और तकरीबन सात से आठ मिनट तक मैंने इसको बॉयल आने के बाद पकाना है ताकि अच्छे से हमारी जो मेकरोनी है वो बॉयल हो जाए आठ से नौ मिनट के बाद यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने एक छलनी में इसको निकाल लेना है और उसके बाद इसी छलनी के ऊपर ठंडा पानी के दो गिलास मैंने डाल देने हैं और दो खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि आपस आप में चिपकने ना पाए तो आधे घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर मैंने ले लेना है दो खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन चिकन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और चिकन के गलने तक मैंने इसको पकाना है थोड़ा सा पकने के बाद ना मैंने दो से तीन खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर दिया था और उसके बाद ढक के इसको पाँच से सात मिनट तक मैंने पका लिया और यहाँ पर काफ़ी हद तक चिकन जो है वो पक चुका है लेकिन मैंने दो मिनट तक तेज़ आग पर इसको फ्राई करना है ताकि एक स्मोकी फ्लेवर जो है ना मिकरोनी तिक्का मिकरोनी में आ जाए और यहाँ पर तकरीबन सात से आठ मिनट के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से पक चुका है और इसको अब हम साइड पे रखेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं एक कढ़ाई में मैंने तीन से चार खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें एक चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे लहसन का हमने कलर चेंज नहीं करना बल्कि खुशबू आने तक हमने इसको आधे मिनट तक फ्राई करना है जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें साथ ही मैं एक लार्ज साइज़ की गाजर कटी हुई डाल दूँगी गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए मैं इसको आधे मिनट तक फ्राई कर लूंगी और उसके बाद एक लार्ज साइज की शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई और एक मीडियम साइज़ की बंद को भी बिल्कुल बारीक कटी हुई इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूंगी और यहाँ पे सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना बिल्कुल तेज़ आग पे हमने आधे मिनट तक फ्राई करना है और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ फ्लेवर डालूंगी आधा चाइ का चम्मच नमक नमक अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला है और मेकरोनी में भी तो इसलिए मैं कन, कम डाल रही हूँ और एक चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ यहाँ से पे दो खाने के चम्मच भर के मैंने डाल दी इसमें सोया सॉस दो खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल कर देना है और साथ ही दो खाने की चम्मच सिरका ये तमाम तीनों चीज़ें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और आधे मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से आ जाए उसके बाद हमने इसमें मेकरोनी शामिल करनी है तो यहाँ पे मेकरोनी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले खिले मेकरोनी है और इसमें बॉयल करते टाइम अगर आप पानी और नमक शामिल कर लेते हैं ना तो इस तरीके से खिले खिले बनेंगे और साथ ही यहाँ पर टिक्का मेकरोनी जो है टिका चिकन टिक्का सॉरी ये मैंने शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे मिक्सिंग जो है हमारी चिकन टिक्का मेकरोनी की हो चुकी है माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये मेकरोनी तैयार हो चुकी है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन आइडिया मैंने आपको दिया है और इस तरीके से आप बना के बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं इसके अलावा शाम की हल्की फुल्की भूख में टी टाइम स्नैक के तौर पे जो है ना इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी चाइनीज ब्रेड समोसा की बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी और ये समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही मजेदार से बनते हैं बच्चों के लंच बॉक्सीज के लिए या फिर रफ्तार पार्टीज के लिए परफेक्ट रेसिपी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेड समोसा के लिए मैंने यहाँ पे चार खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है और उसमें एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट हामिल कर देंगे और लहसुन को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना जैसी इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देना है 250 ग्राम चिकन और यहाँ पे ब्रश और थाई का जो पीस है ना वो मिक्स चिकन मैंने लिए है बिल्कुल छोटे छोटे बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है इसका पानी जो है ना अपना वो भी खत्म हो चुका है तो इसमें मैंने एक खाने का चम्मच शामिल कर दिया तिक्का मसाला बहुत अच्छे मज़ेदार से ये समोसे बन के तैयार होते हैं तो और इसके साथ इसमें आधा चे का चम्मच नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया दो खाने के चम्मच सोया सॉस दो खाने के चम्मच चिली सॉस दो खाने के चम्मच सिरका और ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद चूल्हे की यहाँ दरमियानी मैंने रखी हुई है ताकि गोश हमारा अच्छे से गल जाए और यहाँ पे जो है ना इसका पानी खुश होने तक हमने इसको पकाना है और नमक मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट नमक मिर्च का रेसु है जो मैंने इसमें शामिल किया है और इसके साथ कुछ सब्जियाँ करेंगे आधा कप के करीब बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई और एक एक चौथाई कप मैंने शिमला मिर्च और गाजर जो है ना वो इसमें शामिल कर दिए हैं और ये दोनों चीज़ें भी बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं तो सब्जियां जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और सब्जियां डालने से एक तो हेल्दी हो जाएंगे ये स्नैक्स और दूसरा जो है ना इसका जो मसाले की क्वान्टिट्टी है ना वह ज़्यादा हो जाएगी तो ज़बरदस्त किस्म की ये माशाला से मसाला तैयार हो चुका है अच्छे से मिक्स कर लिए और उसके बाद चूल्हा बंद करके तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लेना है और जब तक ये ठंडे होंगे तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रेड अच्छा ब्रेड जो है ना यहाँ पे एक बात अहम बात बताती चलूँगे ब्रेड आपने फ्रेश लेनी है आप ने एक या दो दिन पुरानी ब्रेड लेके तो ये रेसिपी नहीं बनानी नहीं तो फिर ये रेसिपी जो है ना वो आपके खराब हो जाएगी क्योंकि ब्रेड एक दो दिन जो पुरानी होती है ना वो भुरना शुरू हो जाती है और कभी भी बेलन से जिस तरीके से ये वाली ब्रेड फ्लैट हो रही है ना वैसे नहीं होती तो जब भी आप ब्रेड समोसा या ब्रेड से कोई भी इस तरह के रोल या कोई चीज़ बनाए ना तो कोशिश करें कि फ्रेश ब्रेड होने चाहिए और यहाँ पे देखें फ्लैट हो चुकी है बहुत अच्छे से तो उसके बाद मैंने एक डिब्बा ले लिया प्लास्टिक का और उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर से दबाया इसको और ये एक राउंड शेप में ना हमने कट कर लेना है इसको आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं या फिर कोई कटर ले सकते हैं तो इस तरीके से हमने राउंड जो है ना वो शेप दे लेनी है और उसके बाद दोबारा से मैंने इसको बेलन की मदद से बेलना है और इसके जो किनारे बचे हैं ना उनको हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं जो कि आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है उनको और उसके बाद ये जो राउंड हमने कट किया उसके बाद उसको मैंने फोल्ड किए और दो डी जो है ना वो माशाल्लाह से बन चुके हैं और उसके बाद दरमियान में से मैंने कट कर लेना है तो इस तरीके से एक ब्रेड से ना आपके दो समोसे बन जाएंगे अच्छा जी कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने कट किया था ना डी को तो वो दो साइडें जो है ना वो उठानी है और यानी कि जो राउंड शेप है ना वो नीचे रखेंगे और दरमियान में से जहाँ से कट किया है वो वहाँ से दो कॉर्नर्स आपस में मिलाना है और मिलाने से पहले इनके जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पे हमने पानी लगाना है ताकि अच्छे से ये स्टिक हो जाए एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से और ऊपर से ना मैंने यहाँ पर तिकोनी शेप जो है ना वो दे लेनी है और एक पॉकेट बन गई है इस तरीके से और उसके बाद मैं इसमें मसाला शामिल कर दूँगी मसाला शामिल करने के बाद बाद मैंने थोड़ा सा इसको दबाना है और इसके जो किनारे हैं ना यहाँ पे मैंने लगाना है पानी तो पानी की मदद से क्या होगा कि ये हमारा जो समोसा है ना वो अच्छे से जुड़ जाएगा आपस में इस तरीके से अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा सा पानी आप अपनी उंगलियों के ऊपर दोबारा से लगा लें और इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्यूट सा ये समोसा जो है ना बन चुका है मैंने मिनी समोसेस बनाए हैं आपने अगर बड़े साइज के बनाने हो तो बड़े साइज की आप ब्रेड ले लें बहुत ही आसान है इन समोसों को बनाना ना तो आपको कोई डो तैयार करनी पड़ेगी ना ही रोटी बेलनी पड़ेगी सिंपल आपने ब्रेड को फ्लैट करना है और समोसे बना लेने और आपने फिलिंग भी देखी है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की बनाना बस सिर्फ आपके पास सब्जियां कटी पड़ी हों तो झटपट से ये समोसे बन के तैयार हो जाते हैं तो माशाल्लाह से देखा आपने बहुत सारे समोसे जो है हमने तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से मैं आपके साथ एक और शेयर करूं अगर आपने छोटे समोसे नहीं बनाने हैं ना तो इस तरीके से सिंपल आपने ब्रेड को फ्लैट करना है उसके कॉर्नर्स जो है ना वो उतारने और इस तरीके से ना इसकी जो साइड है यहाँ पर पानी लगाना है और उस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके तो बड़े समोसे की शेप भी दे सकते हैं तो यहाँ पर माशाला से सारे समोसे तैयार हो चुके हैं और आज बच्चे जो छोटे बच्चे हैं खास हैं तो उनकी रोजा खुशाई में इस तरीके से चीजें आप तो बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खा लेंगे और सब्जियां भी पड़ी हुई हैं तो हेल्दी एक ऑप्शन है इसके अलावा बच्चों के लंच के लंच बॉक्सिस लिए भी परफेक्ट रेसिपी है तो से देखा आपने बड़े और छोटे तमाम समोसे तैयार हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिससे हमारे समोसे बहुत ही मजे के और क्रिस्पी बनेंगे तो इसके लिए मैंने तीन खाने के चम्मच मैदा और तीन खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया एक बड़े बाउल में और इसमें एक चौथाई के चम्मच नमक आधा चाय के चम्मच कुटी हुई काली और तकरीबन दो चुटकी के करीब मैंने अजवाइन शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करके तो एक गाढ़ा गाढ़ा सा गाड़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे और इससे ना बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा समोसों का तो यहाँ पे एक समोसा उठा के इसमें से डिप करना है और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने कॉर्नर्स को ग्राइंड करके रखा है इसमें डिप करके इसके ऊपर कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की और जबरदस्त है मीनी समोसा माशाला से तैयार हो चुका है और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे दरमिया आँख पर हमने इनको फ्राई करना है तेज़ आग नहीं रखनी नहीं तो फिर जल्दी से कलर आ जाएगा दरमिया आँख पर प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है तो ज़बरदस्त से माशाल्लाह से ये मिनी समोसा हमारे तैयार हो चुके हैं और ये दूसरा बैच मैंने डाला हुआ है जो कि मैंने बड़े और छोटे समोसे जो है ना वो तैयार करके आपको दिखाए थे तो इनको भी हमें फ्राई करना है और इनको भी निकाल के तो फिर फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने की कि क्रिस्पी और मजेदार से समोसे तैयार हुए हैं एक समोसा मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ तो इस मजेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाजत जाती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलेगा ला हाफिजयला